हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मज़े में होने भी चाहिए, आनंद में होने चाहिए, तभी बच्चे अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आज मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ये वेव ऑप्टिक्स होता क्या चीज़ है? तो वेव ऑप्टिक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आता है हम लोगों का वेव फ्रंट। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि वेव फ्रंट होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों आपको? मैं जब देख लूं, यस, ठीक है। तो वेव फ्रंट बेसिकली एक इमेजिनरी फिगर होता है जो हम लोग खुद से इमेजिन करते हैं, तो कुछ चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए, कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक इमेजिनरी फिगर ऑन विच एवरी पार्टिकल ऑसिलेट्स विद द सेम एनर्जी, विद द सेम फ्रिक्वेंसी एंड आर इन सेम फेज। तो ये जो वेव फ्रंट होता है एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स है जो सारे एक जैसे होते हैं, किसी सर्टेन डिस्टेंस से कह लें कि एक ही जैसे होते हैं, और उनका जो नेचर होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट्स या फिर मूव विथ द सेम वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एंड इट गिव राइज टू अ मीनिंगफुल ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोकस ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। लोकस सुन के बच्चे घबरा जाते हैं, लोकस क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ पॉइंट्स है विच ऑसिलेट्स या मूव विद द सेम वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी एंड इट गिव राइज टू अ मीनिंगफुल ज्योमेट्रिकल फिगर। हम लोग जो फिगर बनाने वाले हैं मीनिंगफुल होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लिया हम लोगों ने। तो बेसिकली वेव फ्रंट तीन तरीके के मिलने वाले हैं। पहला, फर्स्ट, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक आप छोटा सा पॉइंट सोर्स ले लो, छोटा सा बल्ब ले लो, तो होता क्या है कि लाइट ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा लाइट। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी वी से लाइट ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद देखो, सारे जो लाइट रेज निकलते हैं सबकी वेलोसिटी तो सेम होगी, यानी कि टाइम टी के बाद, सर्टेन टाइम टी ले लिया, टाइम टी के बाद पार्टिकल मुझे मान लेते हैं कि यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है सर्टेन पार्टिकल्स, यहाँ यहाँ पहुँच गए हैं, राइट। तो इन सबों को अगर मैं मिला दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक स्फीयर मिलेगा। भाई पॉइंट सोर्स है, लाइट तो चारों ओर जाएगा, ऊपर नीचे इधर उधर, पूरा 3D आपको इमेजिन करना पड़ेगा। लाइट इज मूविंग लाइक दिस। तो सभी के बाउंड्री के पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो मुझे तो गोला मिल जाएगा ना, फुटबॉल के तरीके का मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रेज पास कर रहा है, ये जो हमारा वेव फ्रंट बना गोला 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 गोला, दिस इज अ गोला यानी कि वेव फ्रंट, रेज आर पासिंग लाइक दिस। तो ये जो रेज है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है वेव फ्रंट के। जो रेज है, ध्यान से सुनना बच्चों, रेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक, किसी भी फिगर के लिए। तो पहला था पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए हम लोगों ने क्या देखा, हमारे को मिल गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहां लिख लो स्फेरिकल वेव फ्रंट। दिस वन। दूसरा करने वाले हैं पॉइंट नंबर टू, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट।
लिख लो पॉइंट नंबर टू, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। जब हम लीनियर सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे तो आप ट्यूबलाइट समझ लो। सपोज ऐसा कोई ट्यूबलाइट है हमारा, भाई इससे भी तो रेज हर एक डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, अगर हमारे पास है तो पूरे डायरेक्शन में 3D आपको सोचना पड़ेगा। रेज आर कमिंग लाइक दिस, दिस वन। और अगर हम लोग सर्टेन टाइम पे मान लेते हैं कि रेज यहाँ तक ट्रैवल किया होगा, रेज यहाँ तक ट्रैवल किया होगा, तो हम लोग एक सिलेंडर के तरीके का शेप मान करके इसको इनक्लोज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हम लोग लीनियर सोर्स ऑफ लाइट लेंगे तो ये जो मेरा इमेजिनरी पाइप जैसा बन गया, देखिए सिलेंडर के जैसा बन गया, दैट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लिख लो ये सब। थर्ड है डिस्टेंट सोर्स। अगर डिस्टेंट सोर्स है मतलब बहुत दूर है हमारा जो सोर्स है, डिस्टेंट सोर्स। सोर्स ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस। जब हम डिस्टेंट सोर्स की बात करते हैं तो हम लोग को रेज पैरेलल लेने होते हैं। मान लो सर्टेन पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे, सर्टेन टाइम पे रेज यहां तक पहुंचे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्लेन एज्यूम कर सकते हैं ऐसा। ये टाइम टी के लिए, अब टाइम टी माइनस डेल्टा टी पहले की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे पहुँचेंगे रेज, तो यहाँ भी हम लोग एक प्लेन एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्लेन वेव फ्रंट भी बनता है। कब बनता है प्लेन वेव फ्रंट? जब हमारे पास डिस्टेंट सोर्स हो। ये बन गया प्लेन वेव फ्रंट। और सारे फिगर में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो रेज हैं मेक्स 90 डिग्री विद दिस वेव फ्रंट ऑलवेज। देखो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ये प्लेन है और ये रेज ऐसे जा रहे हैं, यहाँ भी था है ना, पहले इसके पहले वाले में भी था। सो वेव फ्रंट एंड रेज इनक्लोज 90 डिग्री, इसको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, तो अभी हमने देखे हैं तीन तरीके के वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। तो कुछ और भी केसेस कर लेते हैं जब हमारे को वेव फ्रंट ड्रॉ करने को बोला जाएगा, या फिर वेव फ्रंट गिवन होगा, रे डायग्राम ड्रॉ करने को बोला जाएगा, तो कर लेंगे, देखते हैं कैसे होगा। सपोज मेरे पास केस वन लिया है मैंने, सपोज मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है ऐसा, और मेरे को बोला गया है कि दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दीज आर द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब मेरे को बोला गया है कि ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो बच्चों हमारे को मालूम होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास ये जो वेव फ्रंट गिवेन होता है, रे तो परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट का, तो आप परपेंडिकुलर रे ऐसे ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर रेज। तो जैसे रे इसके अंदर जाता है उसके बाद ये कन्वर्ज करता है, ऐसा कन्वर्ज करता है, ठीक है, और सेंट्रल लाइन से जाएगा तो सीधा जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट, यहाँ इसके परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो एक ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा वेव फ्रंट बनेगा और ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये तो हुई लेंस की बात। अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर केस टू,
मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है सर, दिस वन, रे ऐसे आएगा स्ट्राइक करेगा और ऐसे आ जाएगा, रे ऐसे आएगा और वापस ऐसे आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे को ड्रॉ करनी है इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वाला वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ये हो गया, दिस इज इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड कैसा होगा, ये रिफ्लेक्टेड वाला है, तो लाइन हम ऐसे देंगे ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दिस वन यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वेव फ्रंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो कैसे। केस थर्ड, दिस इज इंटरफेस, मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है और ये एयर है, डेंसर मीडियम वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो, ग्लास हो सकता है। मेरे पास वेव फ्रंट्स गिवन है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। मेरे को बोला गया है कि आपको रिफ्रैक्टेड वाला वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, तो बड़ा आसान है, मैं क्या करूंगा, इसके परपेंडिकुलर रे ड्रॉ कर लूंगा, इसके परपेंडिकुलर भी रे ड्रॉ कर लूंगा, ऐसे लाइक दिस, सो मेनी रेज, मैं तो तीन ही दिखा रहा हूं, बट यहाँ रेज तो इनफाइनाइट होते हैं। इसके बाद एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, रेयरर से डेंसर में जब भी लाइट आएगा बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा बेंड हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आने दो ऐसा, ये भी बेंड हो जाएगा, इसे भी आने दो, ये भी बेंड हो जाएगा ऐसा। अब आप और भी रेज ले सकते हो, ये बेंड हो गया ऐसा, तो हमें क्या करना है, हमें तो एक लाइन ही बनानी है ना, जो तीनों के परपेंडिकुलर और चारों के परपेंडिकुलर। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो हम बना सकते हैं, अगर रेज गिवन है तो वेव फ्रंट बना सकते हैं, वेव फ्रंट गिवन है तो रेज भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो बिंदास बोलने का है, घबराने का नहीं है, प्लीज मेक ए नोट।